मोदी तीसरे टर्म में कमजोर प्रधानमंत्री हैं, ये तो आपको दिख ही रहा है। सीटों का नंबर कुछ भी हो, तीसरा टर्म जो मोदी का होगा वो उस तीसरे टर्म में वो कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। बिहार के लोगों की जिंदगी में क्या फर्क आया? क्या बिहार के बच्चों की स्थिति सुधर गई? बिहार में मैं जानता हूं कि बीजेपी लैकलस्टर नेतृत्व है, उनका कोई ना चेहरा है ना उनका कोई प्रयास है। बीजेपी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता मान रहा है कि नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़कर जीत नहीं सकते हैं, वो नीतीश को मुख्यमंत्री के पद से हटा नहीं सकते हैं क्योंकि उनको दिल्ली में सरकार चलानी है। आपको क्या लगता है, मोदी तीसरे कार्यकाल में अपने कमजोर हुए हैं पहले की अपेक्षा, और उनके जो अलाइंस हैं नीतीश और नायडू क्या लास्ट लॉन्ग करेंगे उनके तीसरे टर्म में? देखिए, मोदी तीसरे टर्म में कमजोर प्रधानमंत्री हैं, ये तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन हमने तो इलेक्शन से पहले ये बात कहा कि सीटों का नंबर कुछ भी हो, तीसरा टर्म जो मोदी का होगा वो उस तीसरे टर्म में वो कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे, क्योंकि जमीन पर लोगों ने 10 साल 12 साल मोदी जी का कार्यक्रम देख लिया, उनका प्रयास देख लिया, उसका असर देख लिया। आप बिहार को देख लीजिए, बिहार की जनता ने 2014 में मोदी जी को 30 से ज़्यादा सीट भाजपा को दिया, 2019 में 39 सीट दी, इस बार भी 30 से ज़्यादा सीट ये लोग जीते हैं। लेकिन बिहार के लोगों की जिंदगी में क्या फर्क आया? क्या बिहार के बच्चों की स्थिति सुधर गई? क्या बिहार में नए उद्योग लग गए? क्या बिहार के बच्चों का पलायन रुक गया? और अगर ये नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर आज जितने लोग मोदी जी के फैन थे, जितने लोग मोदी जी के समर्थक वोटर 2014-19 में थे, वो तो आज कमी होगी होगी। और लोकतंत्र में लीडर की जो ताकत है वो ताकत क्या है? जनता का सपोर्ट। तो अगर जनता का सपोर्ट कम हुआ है तो प्रधानमंत्री रहें या सांसद रहें या विधायक हों या मुखिया हों, उनका ताकत तो कम होगा ही होगा। दोनों अलाइज रहेंगे 5 साल पूरे? देखिए, अलाइज रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो अलाइज को पता है, उनको पता है। इतना स्पष्ट है कि मोदी जी और ये जो सरकार है, ये इनकी लोकप्रियता, इनकी ताकत कम हुई है, और आगे की लॉन्जिविटी इस पर डिपेंड करेगी कि आने वाले 2-2.5 साल में जो 9 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, बंगाल, असम और तमिलनाडु, इन राज्यों के चुनाव के परिणाम अगर बीजेपी के खिलाफ हुए तो निश्चित तौर पर सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठेंगे। अगर इन राज्यों में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उनकी ताकत बनी रहेगी। तो आपको क्या लगता है इन राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा होगा? अब कैसा रहेगा ये तो उन राज्यों, वो तो उन राज्यों की स्थिति के लोग बता सकते हैं। बिहार में मैं जानता हूं कि बीजेपी लैकलस्टर नेतृत्व है, उनका कोई ना चेहरा है ना उनका कोई प्रयास है ना उनकी कोई बात कर रहा है। उन लोगों ने अपना नेतृत्व नीतीश जी के हवाले करके छोड़ दिया है, जबकि बीजेपी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता मान रहा है कि नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़कर जीत नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए, कभी कभी नियति भी अपने तरीके से काम करती है। बीजेपी की मजबूरी यह है कि वो नीतीश को मुख्यमंत्री के पद से हटा नहीं सकते हैं क्योंकि उनको दिल्ली में सरकार चलानी है, और उनको यह भी पता है कि नीतीश को मुख्यमंत्री रहते वो बिहार में चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो भाजपा की हालत तो बिहार में ऐसी है कि ना आप दाएं जा सकते हैं ना बाएं जा सकते हैं। उनको मालूम है कि सरकार में क्या परेशानी है, उनको मालूम है कि नीतीश के साथ वो जीत नहीं सकते हैं, लेकिन बिहार में वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि दिल्ली में सरकार चलाने के लिए उनको नीतीश की मदद की जरूरत है। मोदी के तीसरे कार्यकाल का 100 दिन का जो काम है उसको कैसे देखते हैं? उन्होंने जो प्रॉमिस किया था क्या उन्होंने पूरा किया है? भाई, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था पहले मैंने ध्यान भी नहीं दिया, और उन्होंने क्या किया नहीं किया मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं बिहार में एक तरीके से आई एम बरीड इन द बुशेज ऑफ बिहार, और मुझे दूसरे किसी चीज़ की ना चिंता है ना ज़्यादा खबर है। 100 दिन कब हुआ मुझे ये भी नहीं मालूम है, वो 100 दिन में उन्होंने क्या किया नहीं किया, कम से कम बिहार में तो कुछ नहीं दिखा। अगर बिहार में कुछ दिखता तो मैं आपको ज़रूर बताता। बिहार में तो यही दिखा कि जो थोड़े बहुत उनके समर्थक हैं वो भी अब उसको छोड़कर हताश होकर धीरे धीरे जनसुराज की ओर जा रहे हैं।